हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे नाम। सो आपकी इतनी सारी वीडियोस मैंने देखी फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर, और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि आप इतनी सारी लैंग्वेज कैसे जानते हैं। और जो भी वीडियो आप बनाते हैं, चाहे वो रशियन लैंग्वेज की हो, जर्मन लैंग्वेज की हो, या स्पेनिश हो, चाहे फ्रेंच हो, तो आप उसी लैंग्वेज का यूज करते हैं उस वीडियो में। तो मेरे को, क्योंकि हमारे लिए क्या होता है कि एक लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल की बात है, और आप इतनी सारी लैंग्वेज एक साथ बोल पाते हैं, तो आप इस बारे में बताइए आपने कैसे स्टार्ट किया फ्रॉम द बिगनिंग, कैसे आपने जीरो से स्टार्ट किया, कौन सी लैंग्वेज आपने पहले से की, उसके बाद क्या हुआ, और यहाँ तक आपको शायद हुई, ये जर्नी आप मेरे को बताएंगे इसके बारे में? बिल्कुल बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं अभिनव ये कहूंगा कि ज्ञान की धारा अलग अलग होने के कारण से आश्चर्य अलग अलग होता है, लेकिन ये बात अभी आपको समझ में नहीं आई कि मैं कह क्या रहा हूं। आश्चर्य आपको भी है और आश्चर्य मुझको भी है, लेकिन आपके आश्चर्य और मेरे आश्चर्य में अंतर है ज्ञान और अनुभव की धारा अलग अलग होने के कारण से। आपको आश्चर्य ये है कि मैं इतनी भाषाएं कैसे बोल लेता हूं, ठीक है जी, बिल्कुल। और मुझे ये आश्चर्य है कि आप ऐसा आश्चर्य कैसे कर सक रहे हैं, आपको वास्तविकता से आपका परिचय नहीं है। उदाहरण के लिए मैं अपनी बात को थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देता हूं कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि रात के अंधेरे में मैं आपको बैंगन की सब्जी दूं और पूछूं कि कौन सी सब्जी दी, आप बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? देखकर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ, जब चखे मैंने मुंह में, हाँ टेस्ट किया, बता दी, तो बता सकता हूं। और फिर थोड़ी देर बाद भिंडी की दे दूं, बिल्कुल बता देंगे। और फिर आलू की सब्जी दे दूं, बिल्कुल बता सकता हूं। और फिर मैं चावल खिला दूं, और फिर जो मैं, तो मैंने आपको जो है जितनी आपने अभी तक टेस्ट की हुई है, स्वाद किया हुआ है, उनको अलग 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 दे दूं और पूछूं और आप सब बता देंगे, और कोई भी आपको बताने में परिश्रम नहीं लगेगा जी, एफर्टलेसली बता देंगे। और मैं यहां आश्चर्य करो, मैंने यार अभिनव यार आश्चर्य यार कैसे बता पा रहे हो, तो फिर वहां पर भी आश्चर्य होगा। मेरा आश्चर्य क्या होगा, यार अभिनव कैसे बता पा रहे हो यार, तुम जो अंधेरे में दे रहा हूं मैं और तुम सब बता दे रहे हो, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। और तुम्हारा भी आश्चर्य होगा, तुम्हें यह आश्चर्य होगा यार मैं ऐसा सवाल, ऐसा प्रश्न कैसे कर पा रहा हूं। तुम्हारा भी आश्चर्य होगा मेरी इस प्रश्न का, तो मेरी जो मैं पूछ रहा हूं जी। तुम्हें आश्चर्य होगा कि इस व्यक्ति को यह ज्ञान है ही नहीं कि जो चीज हम एक बार खा लेते हैं उसका स्वाद की फाइल हमारे मस्तिष्क में बन जाती है, और फिर दोबारा वो चीज मिलती है तो फाइल उसको रीड कर लेती है और बता देती कि ये तूने ये खाया था। उसको तुम नाम कुछ भी रख लो, जैसे कंप्यूटर में आप कोई फाइल डालते हो फिर नाम से उसको सेव कर देते हो, तो भिंडी की सब्जी दी तो फाइल बनी, अब उस फाइल को आपने उस नाम से मेमोरी में डाल दिया कि ये भिंडी की सब्जी है। अब उसी को ही अंग्रेज वो है उसको लेडीज फिंगर के नाम से कहता है, तो उसके दिमाग में वो आएगा नाम जिसने जैसा डाल दिया, समझ में आ रहा है? तो बस अब मैं इस मूल बात पर आता हूं कि अभी चूंकि आपको आपकी धरा जहां है आप उस धरा से सोच रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म से सोच रहे हैं कि कैसे हो गया, और मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन आज मेरा अनुभव और मेरा प्लेटफॉर्म आपके प्लेटफॉर्म से थोड़ा डिफरेंट है, तो अब मेरे को ऐसा लग रहा है यार ऐसा कैसे सोच सकता है, क्योंकि आपको ये वास्तविकता से आप अनभिज्ञ हैं कि भगवान ने हमारे मस्तिष्क की कैपेसिटी कितनी है अभी तक पूरी पूरा ज्ञान किसी को भी नहीं इसका हुआ है, इसके अंदर कितनी बड़ी रैम है, कितनी बड़ी कैपेसिटी है फाइल को स्टोर करने की। एक सामान्य कंप्यूटर में आपका एक छोटा सा मोबाइल है जी। इसी में ही मेरे ख्याल में 2000 नंबर होंगे आपके सेव जी। और अभी और भी कैपेसिटी हो सकती है, आप इस बारे में विशेषज्ञ, और हम आश्चर्य करें यार कैसा। तो ये जिसने ये छोटा सा मोबाइल बनाया उसने इस मोबाइल को इतने आश्चर्यचकित कर देने वाले काम कर देने वाला यंत्र बना दिया। तो जिस मस्तिष्क ने वो बनाया उस मस्तिष्क की योग्यता उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, बस जब तक हमें इसका ज्ञान नहीं होता तब तक आश्चर्य होता ही रहेगा हमारे को जी। तो आश्चर्य क्यों हो रहा है, अज्ञान की धारा से हो रहा है। तो बहरहाल इट इज नॉट एज डिफिकल्ट एज वी थिंक एक्चुअली।
आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? तो बस आपको वो स्वीकारना है कि आई कैन डू इट, और जब आप करना शुरू करते हैं, और करना तभी करते हैं जब आपको ज्ञान हो जाता है, ज्ञान कि अगर हम करना शुरू करेंगे, हम वो जो जो भी कर्म करते हैं उसकी फाइल बनती जाती है, और वो जो है फिर वो उस चीज़ को जो है रीड करती है। बस मेरे को ये पता लग गया और फिर हम जो है करना शुरू करें। फिर दूसरी बात यह है कि हर एक की मनोभूमि, पृष्ठभूमि, स्वभाव अलग अलग होता है जी। वो इनबॉर्न होता है। वो चीज़ आप कैसे ढूंढ सकते हैं? आप अपने रोज़मर्रा के जो है प्रतिदिन के व्यवहार में आप देख सकते हो। आप प्रतिदिन के व्यवहार में देखेंगे आपका झुकाव किस तरह के क्रियाकलापों में ज़्यादा हो रहा है, बस वो संकेत देता है कि आपका रुझान, आपकी इच्छा, आपकी हॉबी इस तरफ ज़्यादा है। तो आप अगर उसमें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ उस रास्ते पर आगे चलने में आपको अनुकूलता महसूस होगी और आप सफ़र जल्दी तय कर पाएंगे। बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग द यू नो कॉन्जेनियल सपोर्ट, गॉड हैज़ गिवन यू सर्टेन क्वालिटीज। आप देहरादून में लीची का पेड़ लगाएंगे तो ज़्यादा प्रयास नहीं भी करेंगे, अपने आप पनप जाएगा, क्योंकि यहाँ की जलवायु लीची के पेड़ को उगाने में उसकी उसके लिए सहायक है। और यहाँ नारियल का पेड़ लगाएंगे आप नहीं, तो कितनी भी मेहनत करेंगे हो तो जाएगा, लेकिन फिर फल पता नहीं आता, नहीं आता, आ भी गया तो फिर उसमें वो स्वाद नहीं होगा जी, क्योंकि अनुकूल जमीन नहीं है। तो बस इसी से ही आप समझ सकते हैं। तो मैंने जो है ये कब पाया, जब मैं पहले तो मैं भी इस चीज़ को नहीं समझ पाया था कि मेरे अंदर ये सब चीज़ें हैं। तो जैसे मैंने एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको कि मैंने आपको 4-5 सब्जियाँ दे दी हैं, अब मैं बोलूँ कि तुम्हारी सबसे बढ़िया सब्जी कौन है, तो आप जब तक चखोगे नहीं, पहली बार आप उनको चखोगे, उससे पहले आपने चखा नहीं, तो आप इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते कि आपकी सबसे बढ़िया सब्जी कौन है। तो आप क्या करेंगे, उसको भी चखेंगे, उसको भी चखेंगे, उसको भी चखेंगे, और जब ऐसे चख लेंगे तब आप बता देंगे हाँ यार मेरे को ये वाली सब्जी जो है ज़्यादा दो। ठीक इसी प्रकार से अनेक बार हमारे जीवन में ऐसे ही होता है कि अगर हमें ऐसा पता नहीं लग रहा है तो फिर हम अपने अनुभव से फिर उस कंक्लूजन पे आ जाते हैं, निष्कर्ष पे। थोड़ा ये काम करते पहले देखा सीखी करते हैं जी। आपने क्या किया मैं भी वही करूँगा, उसने क्या किया वैसे ही करूँगा, उसके बाद देखूँगा जब मैं जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस पर कुछ आगे तक चला तो मुझे सफलता नहीं मिली, मुझे उसमें आनंद नहीं आ रहा, तो फिर मैं लौट करके उधर वाले पे चलूँगा। ऐसे करते करते धक्का खा पी करके फिर हमें पता लगता है कि यार मुझे इतने सारे काम किए उनमें से कौन सा वाला काम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, किस में मेरे को आनंद आता है। ये आपका अपना निजी अनुभव का विषय है, ये दूसरे से नहीं पूछना पड़ता। तो ठीक मेरे साथ भी ऐसी हुआ, मैं भी पहले वो क्या कर रहा है पड़ोसी, मैं भी वही करूँगा, पड़ोसी क्या कर रहा है मैं भी वही करूँगा, ऐसे हमने भी किया। मैं पहले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, मेरे मित्र कई लोग जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, तो मुझे लगा यार ये बहुत अच्छा है, इसमें पैसा है, सब चीज़ है, टाई साई पहनते थे, तो मैं भी उससे बड़ा इम्प्रेस होके घूमना फिरना ये सब। मेरा एक मित्र है संजय उनियाल, उसने मेरे को बोल दिया था कि दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, तो मैंने उसको बोलता अरे तू इसलिए बोल रहा है क्योंकि तू नहीं चाहता कि मतलब मैं इस प्रोफेशन में आऊँ। तो उसने कहा ठीक है तू कल, अब मैं सिलेक्शन हो गया, और मैं जब पहली बार जब मैं गया दिया तो 6 महीने मुझे पता लग गया था कि रियली दैट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी सेलिंग यू नो प्रोडक्ट्स। अब उसके पीछे जो आपका स्वभाव है, उस स्वभाव के पीछे आपकी परवरिश, आपका जो लालन पालन है, आपकी पृष्ठभूमि, आप जिस खानदान से, आपके जो खानदानी जो बिजनेस है, ये सब चीज़ें मिल करके आपके उस स्वभाव को डेवलप करते हैं। तो चूँकि मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, एक कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, हमारे बाप दादा उन्हें किसी ने भी कोई चीज़ बेची नहीं है, तो बिजनेस फील्ड में है ही नहीं, तो मेरे अंदर वो जीन नहीं है। सो व्हेन यू रियलाइज दैट आई नीड टू यू नो सेलेक्ट दिस प्रोफेशन, हाँ मैं जो हूँ जब मैंने 5 साल काम कर लिया उसमें, तो 6 महीने में मेरे को पता लग गया था कि ये दिस नॉट माई कप ऑफ टी, लेकिन मुझे कोई दूसरा ऑप्शन मिल नहीं रहा था। अच्छा जब तक आपको कोई चीज़ आराम से रोटी पानी सब मिल रहा है तो आप रिस्क नहीं लेते हैं, या कोई क्रांतिकारी जो है स्टेप नहीं लेते हैं। क्रांतिकारी कदम आप तभी उठाते हैं जब आपके सर पे कोई बहुत ज़बरदस्त समस्या आ गई हो। तो मेरे
मुझे भले ही पसंद तो नहीं था, लेकिन मेरा जो है सैलरी वैलरी आ जाती थी उसमें, महीने में दो बार जो है तनख्वाह मिलती थी हमारे को, मतलब जो एक्सपेंसेस थे वो फोर्टनाइटली मिलते थे, तो बढ़िया। मैं जैसे सोचता था इसे छोड़ू, तब तक जो है 15 दिन में एक एक्सपेंसेस का एक वो आ जाता था मेरे पास में, आप समझे ना मेरी बात को, तो फिर मेरा जो प्लान वो ड्रॉप हो जाता था। ऐसे होते होते 4.5 साल हो गए, फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई काफ़ी, तबीयत ख़राब इतनी होगी कि डॉक्टर ने बोला भाई तुम जब तक अगर जो है ये सब नहीं करोगे तो जो है आप कुछ बहुत मुश्किल आ जाएगी। तो बस वो बहाना था, और उस बहाने से मेरी मैंने उसे उसको रेजिग्नेशन दे दिया, और मेरी जो है शादी भी तय हो गई थी। अब मेरे ऊपर जो है ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी होगी, एक तो तबीयत ख़राब, दूसरा जो है शादी का भी हो गया। तो ये किस ईयर की बात है? तो ये लगभग 1999। हाँ, तो फिर उस वक्त फिर तब मैंने ये सोचा कि यार मैं क्या काम, जो मैंने अपने को ही पीछे एनालाइज किया, तो पहले मैं बहुत ट्यूशन पढ़ता था, तो मैंने उस अनुभव को रिकॉल किया और मैंने देखा कि यार जब मैं ट्यूशन पढ़ता था तो ट्यूशन पढ़ाते वक्त सचमुच में मुझे कभी थकान नहीं लगती थी, चाहे 4 घंटे पढ़ा दूँ 5 घंटे पढ़ा दूँ, जोश वह हमेशा बना रहता था। तो चूंकि मैं खुद अध्यापक का बेटा होने के कारण से मैंने नोटिस किया कि मेरे अंदर बाय डिफॉल्ट है ये क्वालिटी, और फिर मेरा कोई भी स्टूडेंट आज तक मुझे याद नहीं कि उसने ये कहा कि आपका पढ़ाया मुझे समझ में नहीं आता है, बल्कि सभी लोग कहते थे आप जिस तरह की समझाते हो वो हमें समझ में आता है। बस मैं समझ गया कि ये काम दिस इज माय कप ऑफ टी, इसको मैं बहुत बढ़िया ढंग से मैं निभा सकता हूँ। तो फिर उससे मेरे को डिसीजन लेने में आसानी होगी, और मैंने कहा अब मैं और कुछ काम नहीं करूंगा, मैं यही काम करूंगा। तो मैंने फिर इसको थोड़ा प्रोफेशनल टच दिया, मैंने मार्केट में सोचा कि किस वाली लैंग्वेज की ज़्यादा डिमांड है, तो चूंकि हर कोई दूसरा व्यक्ति इंग्लिश सीखने के पीछे पागल है, और मैंने कहा इस पागलपंथी को कैश करा किया जाता है, तो अंग्रेजी सीखने के नाम पे 500 रुपये हर कोई देता देने के लिए तैयार हो जाता था उस टाइम में, आज से करीबन 20-22 साल पहले की बात है। तो मैंने एक कैलकुलेशन की कि अगर मैं, मेरा जिस मोहल्ले में मैं रहता था तो उसमें कम से कम 50 परिवार हैं, और एक परिवार से एक बच्चे को भी पढ़ाऊँ, और 500 रुपये लेते थे, मैं 300 ही लूँ, तो 15,000 रुपये हो गया जी। और 50 का दो दो बैच बनाऊँ तो माना 2525 का, तो 24 घंटे हुए जी। हमारे जीवन में जी। और 24 घंटे में अगर 1.5 घंटे एक बैच को, 1.5 घंटे दूसरे बैच को बनाए, 3 घंटे अपने मोहल्ले से बाहर नहीं जा रहा, और अंग्रेजी के नाम पर हर कोई 300 रुपये देने के लिए तैयार होता था। तो 24 घंटे हमारे पास होते हैं, उनमें से 3 घंटे में मैंने 15,000 रुपये कमा दिए, एंड दिस इज फिजिबल प्लान, दिस इज नॉट सॉर्ट ऑफ इम्प्रैक्टिकल प्लान। और मैंने बस पहले आप सैद्धांतिक रूप से इस बात से कन्विंस होते हो, जब आप सैद्धांतिक रूप से कन्विंस हो जाते तब इसको धरातल पे लाते हो। तो मैं सैद्धांतिक रूप से अपने कन्विंस हो गया, अब मैंने ये ठान लिया था कि अब मैं यही करूँगा, क्योंकि मैंने पहचान लिया था कि मेरे को पढ़ाने वाला इंटरेस्ट आता है, और मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करते 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 फिर जो है फिर वो यात्रा अब 25 साल हो गए लगभग, जो है प्रोफेशनली जो है लगभग 22 साल हो गए। आपने इंग्लिश से स्टार्ट किया, फिर आपने जो रशियन लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है, ये कहाँ से सीखा? ये इस तरह से हुआ कि कोइंसिडेंटली मेरे शादी का, जब शादी हो गई थी तो शादी की एक वीडियो बनाने के लिए जो वीडियो ग्राफर था उसकी वीडियो लाइब्रेरी में मैं गया था अपनी कैसेट को लेने के लिए, और वहाँ पर एक मिस्टर आलोक रावत नाम के एक व्यक्ति बैठे हुए थे, और वो भी उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे, मैं भी उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा था। तो जब तक वो नहीं आए तो तब तक हम जो है आपस में प्रतीक्षा करते थे। तो फिर मैंने थोड़ा, मैं एक्स्ट्रोवर्ट टाइप का आदमी हूँ, तो मैंने कहा हेलो सर दिस दैट, अपना परिचय दिया। तो फिर वो बोला ओ ये आई एम आलोक खलाया, इस तरह से बात करने लगे हो। पहले मुझे लगा यार ये स्टाइल से बात कर रहे क्या, ये थोड़ा बनावटी, लेकिन बाद में देखा कि वो नेचुरली उस ढंग से बोलते थे। तो जल्दी मुझे इस बात का ज्ञान हो गया, वो फ्रेंच भी जानते हैं, रशियन भी जानते हैं, स्पेनिश भी जानते हैं, और जर्मन भी जानते हैं। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, और मैंने उनको फिर कहा, मैंने कहा मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप तो मेरे दोस्त बन गए, लेकिन दोस्त के साथ साथ मेरे गुरु भी बन गए। तो वो डिफेंस कॉलोनी में रहते हैं, तो मैं उनके पास गया शुरू में, कुछ उन्होंने मेरे को फ्रेंच के लेसन सिखाए, बाद में उन्होंने फिर जो है उसमें ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई,
तो पर अब जैसे शेर को खून लग जाता है तो ऐसे मुझे खून लग गया, तो फिर मुझे जो है उसमें और इंटरेस्ट आने लग गया। तो फिर उस चेष्टा को पूर्ण करने के लिए फिर मैं अब रिसर्च करने लगे कहाँ से। तो दून स्कूल की एक और मैडम है, कालिदास रोड में रहती थी, मिसेस सीता कपूर जी, तो 2-3-4 लेसन मैंने उनसे भी सीखे। फिर उसके बाद मैं एलियंस फ्रांसिस फ्रेंच एम्बेसी गया, तो फिर वहाँ से फिर मैंने इसको A1 A2 B1 B2 ऐसे फिर वहाँ से किया। फिर इसी पीरियड में ही जो है एक मिस्टर सी के बिदानी नाम से एक जो है UGC में जॉब करते थे, वो रिटायर्ड हो गए थे, तो वो मेरे पास आए फ्रेंच सीखने के लिए, काफ़ी मतलब 70 years old। तो जैसे मुझे पता लगा कि वो रशियन जानते हैं, तो फिर मैंने उनको कहा नहीं नहीं आप ऐसा कीजिए, आप हमारे को फीस मत दीजिए, हम दोनों एक डील करते हैं, और वो डील ये है कि मैं आपको फ्रेंच सिखाऊंगा, आप मुझे रशियन सिखाए। उन्होंने कहा डन, बहुत बढ़िया। तो एक दिन वो मेरे को फ्रेंच मतलब रशियन सिखाते थे, एक दिन मैं उनको फ्रेंच सिखाता था। इस तरीके से उन्होंने कुछ बेसिक्स मेरे को रशियन जो है वो सिखाया। फिर धीरे 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 करके जो है फिर मैं जर्मन कैसे सीखी, जर्मन के बेसिक लेसन तो मुझे उन्होंने एलेक्स रावत उन्होंने सिखा दिया था थोड़ा बहुत, लेकिन बाद में फिर जो है मेरे इंस्टीट्यूट में एक सुब्रमण्यम स्वामी करके एक साउथ इंडियन टीचर आए, वो जर्मन जानते थे तो जर्मन पढ़ाते थे, तो उसी पढ़ाने के दरमियान मैंने उनसे थोड़ा बहुत जर्मन सीखी। बाद में फिर मैंने गोथे इंस्टीट्यूट से उसको आगे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए। स्पेनिश के लिए मेरे पास में एक स्पेन की ही एक मैडम आई थी, वो हिंदी सीखने के लिए आई थी मेरे पास में, उन्होंने यहाँ इंडिया में एक सरदार जी से शादी की थी, तो उनको हिंदी आती नहीं थी और मैं फॉरनर्स को हिंदी सिखाता हूँ, तो उन्होंने जो है तो मैंने उनके साथ भी यही किया, मैंने कहा आप मुझे जो है स्पेनिश सिखाइए, मैं आपको हिंदी सिखा दूँगा, कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं, लेने की ज़रूरत नहीं। बोला बिल्कुल ठीक है, तो स्पेनिश उस तरह से सिखाई। फिर धीरे धीरे फिर उस आया उसमें हम, ये शॉर्ट में आपको बताया। तो जब आप किसी रास्ते पर आगे निकलते हो तो फिर आपको उस रास्ते के जो है राहगीर अपने आप ही मिलते जाते हैं, और वो आपकी राह को और आसान बनाने में सहायक होते हैं। ये मैंने आपको बताया कि जब मैं इस राह पे आ गया तो इस राह में चलते चलते अन्य राहगीर आ गए, उन्होंने मेरे को इस तरह से, और बाद में फिर मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ गया बहुत अच्छा। तो भी आप एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ? बहुत ज़्यादा, मैं स्टाम्प पेपर भी लिख के दे सकता हूँ। तो जब आप बोर होते हैं कभी नहीं? मैं बोर शब्द जानता ही नहीं, मेरे डिक्शनरी में बोर शब्द है ही नहीं। तो आप अपने लिए क्या करते हैं? ये सब अपने लिए तो कर रहा हूँ। नहीं मतलब अपनी आपकी तो आपको पढ़ाना हो गया। हाँ कुछ ऐसा भी है? अच्छा अपने लिए बस जो भी ये जो है, चूंकि मैं एक सदग्रस्त में हूँ, तो सदग्रस्त में होने के कारण से मेरी एक नैतिक जो एक जिम्मेदारी है अपने परिवार के भरण पोषण के, तो उसके लिए ये मेरे को करना पड़ता है। उसके बाद जो भी समय आता है बस मैं ठाकुर जी का वो करता हूँ, मृदंगम बजाता हूँ, करताल बजाता हूँ, हरिनाम लेता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं प्रकृति के मतलब जो है प्रेमी हूँ, मुझे ठाकुर जी से बहुत ज़्यादा मतलब जो है मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरा जन्म ऐसी भूमि में दिया जो भारत भूमि है, सर्वश्रेष्ठ भूमि है ये, यहाँ राम कृष्ण और बुद्ध महावीर जैसी महान आत्माओं ने यहाँ जो है शरीर रूप में यहाँ पे अवतार, उनका भगवान के सारे अवतार जो है यही हुए, 24 के 24 अवतार इसी धरती पर, इसी भूमि पर। और भारत भूमि में भी उत्तराखंड जिसको देवभूमि कहते हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ यहाँ से बहुत नज़दीक है, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो जो भी मेरा जो अतिरिक्त समय होता है मेरी एक मैंने बुलेट इसीलिए ले रखी क्योंकि थोड़ा सा मेरे को पहाड़ों में जो है साहसिक जो है यात्रा करना पसंद है, मैं बद्रीनाथ चले जाता हूँ, केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, ये जो है ये हिमालय की जो है लोअर सब हिमालयन रीजन है ना, उसकी फुटहिल्स है वहाँ पे। आप तो मेरा एक मित्र मतलब मेरा वैसे तो विद्यार्थी है पर उसके साथ बड़े मेरे मित्रवत ही संबंध हो गए हैं, तो हमारा एक छोटा सा टेंट है और उसमें हमारा अपना सामान है और मृदंगम करताल ले करके और फिर एक दिन दो दिन जो है उस हिमालय की उस वाइब्रेशन को, उन तरंगों को जो है हम बहुत नज़दीक से बहुत करीब से जो है उसको महसूस करते हैं, और उसमें हरिनाम कीजिए आप तो आपकी आत्मा जो है एकदम नहा धो करके और फिर हम ऑफिस आ जाते हैं, एकदम चार्ज हो जाते हैं। तो ये मेरा एक निजी शौक है, व्यक्तिगत जो है, तो बस मैं इसी भाव से रहता हूँ कि ये सब किराए का मकान, ये पंचभौतिक है, ये खाली करना एक दिन, और इसीलिए ज़्यादा प्रपंच ठीक नहीं है,
वही कि 100 रुपया दिया है तो जितने का सामान है उतना ही पैसा खर्च करो, बाकी बचा लो। तो प्रभु ने जो है समय रूपी धन दिया है, ये शरीर बढ़िया है, अब इसको हम भोग विलास में लगा दें सारा का सारा, तो इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं है। आप समझे ना मेरी बात को? तो इसका उतना ही, उन संसाधनों का उतना ही प्रयोग करें जिससे कि रोजी रोटी चल जाए। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधनों भूखा जाए। आप मेरे घर पे आए तो आपको एक आपका आतिथ्य करने का थोड़ा सा जो है आपको मान सम्मान से हम आतिथ्य कर पाएं, भाई इतनी शक्ति इतनी योग्यता हमें ठाकुर जी देते, भाई इतना परिश्रम, बाकी तो प्रभु भजन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा रोना धोना ठीक नहीं है जी। आप समझे ना जी, जी। रोने धोने वाले यहाँ भी रोते रहते हैं, उसके बाद भी रोते रहते हैं, सब यहीं छूट जाता है। अन्य लोग उसका भोग भोगते हैं, और परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक बच्चे जो है बालिग नहीं हो जाते तब तक मेरी जिम्मेदारी, उसके बाद बहुत ज़्यादा मैं उनके लिए धन इकट्ठा करके जाऊँ तो उनको भी मैं निकज्जू करूँगा। तो मैं इस पॉलिसी का भी समर्थक नहीं हूँ। शास्त्रों में कहा गया है पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पूत पुत्र सपूत हो गया तो फिर का धन संचय, संचय धन संचय करने की जरूरत क्या है, खुद ही इतना कमा देगा। और पूत कपूत तो फिर का धन संचय, और कुपूत निकल गया तो फिर का धन संचय, फिर तो धन संचय करने की जरूरत क्या, वो तो जो तुम्हारे क्या हो तो उसको भी कर देगा। तो बी वाइज, बी रैशनल बाय माइंड, डोंट बी फुलिश जस्ट बाई क्लेमिंग दैट यू आर वाइज, बट द पीपल अंडरस्टैंड योर एक्चुअल स्टेटस बाय योर बिहेवियर। यू नीड नॉट से एक्चुअली, वी अंडरस्टैंड वॉट यू आर, हु यू आर बाय द वे यू बिहेव इन द सोसाइटी एक्चुअली। राइट, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, थैंक यू।